और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका टीम के द्वारा। और भारतीय टीम देखना होगा क्या इतना बड़ा हाई स्कोर चेस कर पाएगी, क्योंकि लगातार चौके छक्के लगाते हुए यहाँ पे साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज पांचवी बॉल। ओ ये अच्छा शॉट है, पैरों पे बॉल थी लेकिन खेला है डीप स्कोर लेग की दिशा पे, हालांकि एक ही रन मिल पाएगा। और इस ओवर की अंतिम बॉल और उसी के साथ पारी समाप्त होगी साउथ अफ्रीका टीम की, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आएगी भारतीय टीम। 91 रन बना चुकी है 5-5 ओवरों का ये मुकाबला। और ये शॉट काफी कमाल का, 4 रन बटोरने के अंतिम बॉल पे तो साउथ अफ्रीका ने बनाए हैं 95 रन, और 95 बनाए हैं अब भारतीय टीम को, बनाने के लिए चाहिए 96 रन। और भारत के पास विकेट्स नहीं है, भारतीय टीम के पास अच्छी शुरुआत करनी होगी यहाँ से, जी हाँ 96 रन की आवश्यकता है। देखना होगा ओपनिंग के तौर पे कौन आएगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज देखिए हैंड्रिक्स शानदार 54 रन की पारी खेली, और जॉर्जी ने भी अच्छी पारी खेली, मतलब कि दोनों ओपनिंग बल्लेबाज की शुरुआत काफ़ी बेहतरीन थी। और इसी बीच ऋतुराज गायकवाड और साई सुदर्शन का आगमन होता हुआ मुकाबले में, और भारतीय टीम किस तरीके से खेलेगी देखना होगा। और बर्जर आएंगे पहले ओवर लेके, 30 बॉल पे चाहिए 96 रन, जी हाँ 30 बॉल पे चाहिए 96 रन, किस तरीके से खेलेंगे। पहली बॉल पटकी हुई, बॉल उठाकर कहीं और खेलना चाह रहे थे, बॉल कहीं और गई और मिलेगा छक्का। पहली बॉल पे शानदार शुरुआत ऋतुराज गायकवाड के, ऋतुराज गायकवाड के बल्ले से पहली बॉल पे 6 रन, 29 पे चाहिए अब 90। ये मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ, ओ यहाँ पे बीट कराया यॉर्क का लेंथ। बर्जर अच्छे गेंदबाज हैं और नए गेंदबाज साउथ अफ्रीका ट्राई करती हुई अपने नए बल्लेबाजों को, और साथ में भारतीय टीम भी युवा टैलेंटेड बल्लेबाजों को मौका देती हुई तीसरी बॉल करेंगे। बर्जर सामने है, बिल्कुल जड़ में बॉल है, शॉट खेला जरूर है, टाइमिंग बिल्कुल भी प्राप्त नहीं की और सीधा मिड ऑफ के फील्डर के हाथों पे कैच दे बैठे हैं ऋतुराज गायकवाड, और भारतीय टीम को लगा ये पहला झटका। जी हाँ यहाँ पे पहला आज झटका लग चुका है भारतीय टीम को, और अब बहुत मुश्किलें होगी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि ये स्कोर काफ़ी बड़ा है, विशाल है, किस तरीके से चेस कर पाएगी भारतीय टीम ये सवाल रहेगा। लेकिन 6 रन की पारी खेल के ऋतुराज गायकवाड पवेलियन जाते नजर आएंगे, और ऋतुराज गायकवाड के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं श्रेयस अय्यर, और हमने देखा श्रेयस अय्यर भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब चाहिए 27 बॉलों पे 90 रन। सामने है ऋतुराज, ओ ये अच्छा शॉट खेला जरूर था लेकिन बॉल गैप में गई, जा नहीं पाई। भारतीय टीम लगातार यहां पे विकेट्स गवाती हुई, जी हां भारतीय टीम लगातार विकेट्स गवाती हुई, 95 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका टीम ने, 96 रन के जवाब में भारतीय टीम उतरी, और दो बल्लेबाज पवेलियन जाते नजर आएंगे दो बड़े झटके भारतीय टीम को लगते हुए। और अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए केएल राहुल, कप्तान केएल राहुल आते हुए बल्लेबाजी के लिए, लेकिन भारतीय टीम को दो बहुत बड़े झटके लग चुके हैं इस मुकाबले में। 26 बॉलों पे चाहिए 90 रन, कैसे बनाएगी ये तो थोड़ा चिंता का विषय है भारतीय टीम के लिए। लेकिन आते ही कमाल का शॉट 6 रन के लिए, मिड विकेट के ऊपर से केएल राहुल के बल्ले से निकलता हुआ करारा प्रहार 6 रन के लिए, और ये आगाज किया है केएल राहुल ने इस मुकाबले में किस तरीके से खेलेंगे। ओ माय गुडनेस, दिस इज द बिगेस्ट शॉट ऑफ द डे फ्रॉम द केएल राहुल, जी हाँ अच्छी बल्लेबाजी केएल राहुल के द्वारा, पहली बॉल पे छक्का लगाया, प्रेशर अपने आप से रिलीज कराया। अंतिम बॉल है इस ओवर की, दो विकेट आए हैं, बेहतरीन ओवर है। ऑफ साइड पे यॉर्कर करने का प्रयास, एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए, हवा पे बॉल है, दो फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक, और दर्शक बन जाएंगे फील्डर, एक और छक्का। भारतीय टीम लगातार आगे बढ़ती हुई मजबूती के साथ, हालांकि दो विकेट जरूर गवाए हैं लेकिन उसके बाद केएल राहुल कप्तान जिस तरीके से खेल रहे हैं, और साई सुदर्शन को देखना होगा किस तरीके से खेलेंगे आज, क्योंकि ओपनिंग के तौर पे आए हैं, कुछ अभी तक एक भी बॉल खेली नहीं है इन्होंने, और हर बॉल पे चौके छक्कों की आवश्यकता है भारतीय टीम को। पहली बॉल और कर लें, बड़े शॉट के लिए गए हैं, गैप पे गई है बॉल, 4 रन तो मिल ही जाएंगे, और जी नहीं यहाँ पे पहली बॉल पे प्राप्त करेंगे छक्का,
साई सुदर्शन अच्छी गेंद बल्लेबाजी यहाँ पे करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेहतरीन कमाल की बल्लेबाजी साई सुदर्शन के द्वारा, लगातार बड़े बड़े शॉट्स के लिए चाहते हुए। तो ये छक्का बहुत बड़ा है भारतीय दृष्टिकोण से। दूसरे ओवर की पहली बॉल पे छक्का आना, मतलब शुरुआत अच्छी है भारतीय टीम की इस ओवर में। इस बार बाउंसर डिलीवरी सही बल्ले पे आई, बल्ले के बीचों बीच आई और नतीजा आपको पता है क्या होगा। जी हाँ, जब साई सुदर्शन के बीच बल्ले पे बॉल लगती है तो बॉल सीधी डगआउट में जाती है और भारतीय दर्शक दीर्घा में खुशी की लहर। कमाल का यह मुकाबला, ये देखिए खुशी की लहर। दूसरा ओवर चलता हुआ, भारतीय टीम का स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 22 बॉलों पे चाहिए 26 रन। बड़ा शॉट, लेकिन इस बार दो फील्डर के बीच में से टकेला है, ये भी जाएगी छक्के के लिए। 666 फ्रॉम साई सुदर्शन। जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी साई सुदर्शन की, कमाल करते हुए लगातार तीन बॉल पे तीन छक्के। इतना आसान होगा नहीं, लेकिन आसान बनाते हुए यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक स्थिति पे पहुंच गया है। लगातार रन आते हुए, ओ ये शॉट देखिए, कहीं और खेलना चाह रहे थे, फिर भी टाइमिंग बेहतरीन मिली। इस बार मिलेगा चौका। जी हाँ, लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं भारतीय टीम। लगातार ये स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ। इस ओवर में बहुत सारे रन आए हैं भारतीय टीम के लिए और रुकने का नाम ले नहीं रहे हैं। इस बार बॉल बल्ले पे सही से आई नहीं, लेकिन जो पेस का यूज किया है साई सुदर्शन ने, काबिले तारीफ। सिर पे दिशा दिखा रहे हैं और बड़े बड़े शॉट प्राप्त कर रहे हैं और जाते जाते सोबर पे एक और, क्या चौका होगा? प्रयास पूरा फील्डर्स का, लेकिन चार रन होने से कोई रोक नहीं सकता। और अब इसी बीच के सब महाराज का आगमन होता हुआ गेंदबाजी में, लेकिन भारतीय टीम अचानक से इस मुकाबले में वापसी करती हुई। के एल राहुल स्टैंड एंड डिलीवर इन टू द क्राउड, बॉल गोज फॉर बिग वन एंड ही गेट्स डन अनदर वन। केएल राहुल कैप्टन, लीड फ्रॉम द फ्रंट। कमाल की बल्लेबाजी केएल राहुल। जब केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, पहली बॉल पे छक्का जड़ा था, उसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की साझेदारी। और अब ये मुकाबला बिल्कुल आसान लग रहा है, कुछ देर के लिए लगा शायद साउथ अफ्रीका कुछ कर लेगी, लेकिन इस तरीके के शॉट्स अगर आएंगे भारतीय बल्लेबाजों के बल्ले से तो नतीजा आपको पता है क्या होने वाला है। लेकिन ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, एक एक बॉल पे ये मुकाबला किसी भी तरफ मुड़ सकता है, पलट सकता है। लेकिन अभी भारतीय टीम अच्छी स्थिति में नजर आती हुई, हालांकि दो विकेट जरूर गंवाए हैं। 16 बॉलों पे चाहिए 36 रन, लगातार बड़े रन के लिए जाते हुए केएल राहुल। और एक बार फिर से कमाल की टाइमिंग, खड़े खड़े शॉट को खेला है और हिलने की जरूरत नहीं, अंगद का पैर जमा के रखा है क्रीज पे और बॉल जाएगी मिडॉन के ऊपर से 6 रन के लिए। कप्तान केएल राहुल एक डिफरेंट लेवल पे बल्लेबाजी करते हुए, कमाल की है बल्लेबाजी, कमाल के ये शॉट्स। केएल राहुल ऑन फायर, he is proving himself by his one of the best man in the team right now। तीसरे ओवर की चौथी बॉल, 15-30। अब ये मुकाबला धीरे धीरे नहीं, तेजी से भारतीय टीम की तरफ बढ़ता हुआ। एक बार फिर से गए हैं बड़े शॉट के लिए, टाइम भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। जिया एक और छक्का, अब तो मानो आदत हो गई हो कि छक्के चौकों की बात करने के लिए। एक पहला ओवर था जहां पे भारतीय टीम ने जिस तरीके से स्ट्रगल किया था, लेकिन उसके बाद वापसी देखिए, कमाल की है वापसी, कमाल का ये शॉट, ये बल्लेबाज कमाल करता हुआ इस मुकाबले में। तीसरा ही ओवर चलता हुआ, 72 रन भारतीय टीम। केएल राहुल को गलते हुए इस मुकाबले में, ओ ये शॉट अच्छा, लेकिन इस बार टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, लेकिन एक रन लेंगे यहाँ पे।
और अब 13 बालों पे चाहिए 23 रन। तो ये मुकाबला इतना आसान बना दिया है भारतीय टीम ने, किसी ने कल्पना की नहीं होगी इस शॉट के लिए। जी हां, साई सुदर्शन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। ये रिवर्स स्वीप साई सुदर्शन के बल्ले से दो फील्डर के बीच में से बॉल रोकने का प्रयास पूरा, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। ये साई सुदर्शन का ये सुदर्शन शॉट है और मल्डर आए हैं गेंदबाजी के लिए, इनको कुछ करना होगा। अमूमन हमने देखा है ये अंतिम ओवर पे आते हैं, लेकिन इस बार जल्दी बुलाया गया है क्योंकि भारतीय टीम जिस तरीके से खेल रही है इस मुकाबले को काबिले तारीफ। एक बार फिर से बड़ा शॉट के एल राहुल, खड़े खड़े दौड़ने की भी जरूरत नहीं, 6 रन के साथ ओवर की शुरुआत करेंगे। क्या भारतीय टीम इतने जल्दी जीत जाएगी ये मुकाबला, ये तो थोड़ा सा वक्त बताएगा। लेकिन बल्लेबाजी इन ऑन डिफरेंट रोल, के एल राहुल लीड फ्रॉम द फ्रंट कप्तान, क्या बात है जी हाँ दोस्तों, क्या बात है। के एल राहुल अच्छी बल्लेबाजी है, ये कमाल के शॉट है। ये शॉट थोड़ा सा बहुत ही अच्छी यहाँ पे शॉट खेला जी हाँ, लेकिन रन्स मिलेंगे नहीं यहाँ पे। अब चाहिए 10 बॉल पे 13 रन भारतीय टीम को, 83 रन बना चुकी है और अब तो मानो आसान लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी भारतीय बल्लेबाज करते हुए एक बार फिर से रिस्की शॉट, लेकिन सीधा हाथ में अचानक से इस मैच के वक्त जज्बात बदलता हुआ मल्डर को आखिरकार एक सफलता मिलती हुई। के एल राहुल पवेलियन जाते नजर आएंगे और उन्होंने शॉट खेला, शॉट पॉइंट के फील्डर के हाथों पे गई है बॉल जी हाँ। अच्छा कैच है यहाँ पे, कमाल का कैच वापसी करते हुए डसेन द्वारा, ये कैच है बल्लेबाजी के लिए आते हुए तिलक वर्मा। मुकाबला एक बार फिर से फंसता हुआ, चौथा ओवर चलता हुआ, 9 बालों पे चाहिए 13 रन भारतीय टीम को। ये बड़ा शॉट है, टाइमिंग लाजवाब है, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, डगआउट में दर्शक दीर्घा में खुशी की लहर, भारतीय टीम जीत की तरफ बढ़ती हुई। साई सुदर्शन तिलक वर्मा दोनों बल्लेबाज आगते उस मुकाबले में जी हाँ दोस्तों, रनों की बरसात है। लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी हाँ, लाइक का बटन जरूर दबाएं। 8 बालों पे चाहिए 9 रन जी हाँ, 8 बालों पे 9 रन। तिलक वर्मा आते ही चौका लगाया, इस बार पुल किया है और ये क्या है यहाँ पे, कमाल की फील्डिंग, एक एक रन मैच का रिजल्ट बदल सकता है। साउथ अफ्रीका पूरा प्रयास करती है इस मुकाबले को जीतने के लिए, ये फील्डिंग काफी कमाल की, आप भी देखिए, फील्डिंग नहीं है ये, बहुत बड़ी फील्डिंग है। यहाँ पे मैच में वापसी कराई है जी हाँ, अच्छी फील्डिंग, 7 पे चाहिए 8। अब आसान तो है भारत के लिए, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। यॉर्कर लेंथ बड़े शॉट के लिए गए जरूर थे, लेकिन कनेक्ट कर नहीं पाए। आखिरकार ये मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंचता हुआ, अंतिम ओवर में फुलक बायो को लेके आए हैं ये, और फुलक बायो किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। अच्छी शुरुआत, कमाल की शुरुआत, ये शॉट नहीं, ये कमाल का छक्का है और इसी के साथ भारतीय टीम मजबूती के साथ इस मुकाबले को चेस करती हुई जी हाँ भारतीय टीम। दोस्तों लाइक कर दें इस छक्के को देखते हुए। अब चाहिए 5 बालों पे 2 रन, किस तरीके से खेलेगी भारतीय टीम देखना होगा। 5 बालों पे 2 रन, शॉट अच्छा है, 1 रन के लिए भागे हैं, 2 फील्डर पीछे हैं, इसको लेवल हो चुका है, 2 रन के लिए भागे हैं, लेकिन बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, इसी के साथ चौका और इसी के साथ भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है जी हाँ। 7 अफ्रीका को हराया है इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने। दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।